हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है, यानी कि 2D हमारा खत्म हो चुका है। अब आता हमारा 3D। 3D में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए 3D होती क्या है। 3D हमारी क्या होती है, एक तरह से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यानी इसमें जो बनता है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसी को हम कहते हैं 3D। यानी जिसकी भुजाएं तीन तरफ जाती है उसको हम कहते हैं 3D। यानी कि जैसे ये घन है, घन है, घन में आपने देखा कि एक ये भुजा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, इसी को कहते हैं 3D। चलिए सबसे पहले हम घन की बात कर रहे हैं कि घन आखिर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो घन का आयतन आएगा वो क्या होगा, वो होगा एक क्यूब। आयतन क्या होगा, एक क्यूब होगा। उसके बाद आएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा जो होगा वो होगा 4a स्क्वायर। उसके बाद हमारा संपूर्ण पृष्ठ वो हमारा होगा 6a स्क्वायर। ये तीन चीजें जो होती हैं वो होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। क्लियर। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन लगाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि a बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालना है इसका घन का। तो घन का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, 4a स्क्वायर। यानी कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें निकालना है। यानी कि 4 इंटू ए का मान क्या है, 6 का स्क्वायर। यानी कि 4 इंटू 6 बराबर 144 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। चलिए सेकंड नंबर, केवल मेंसुरेशन फॉर्मूले पर आधारित होता है और कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है। सेकंड नंबर, किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज, क्षेत्रफल हमको दे दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल जो मुझको दे दिया 144 सेंटीमीटर दे दिया है। क्लियर। अब ये पूछ रहा मैं, तो ये पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम a का मान हम रखेंगे यहाँ पे, तो कैसे रखेंगे, आप जानते हैं 4a स्क्वायर होता है। 4a स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, 144, इससे ये कैंसिल। a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 36, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इनमें कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो बताइए कि हाँ ये डाउट है। एक मिनट थोड़ा स्याही डाल दे, फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। क्या कह रहा है, किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ मैंने आपको बताया कि क्या होता हमारा संपूर्ण पृष्ठ, 6a स्क्वायर। क्लियर, यानी कि हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्या है, a बराबर मुझको 8 सेंटीमीटर दे दिया है। यानी कि क्या हो जाएगा, 6 into 8 का स्क्वायर, यानी 6 into 8 64, यानी 64 कितना हो जाएगा, 6 6 24 6 6 24 6 38, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि 6a स्क्वायर क्या होता है, इसका क्या होता है, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी घन का विकर्ण √27 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप यह समझो कि विकर्ण जो होता है वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3a। क्या होता है, √3a। यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यानी कि √3a = √27 के, ये तो होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, √9, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर, हमारा क्या हो जाएगा, 3, यानी ये बराबर हमारा 3 आ गया। आयतन की बात कर रहा है ये,
तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा आप बताओ, ये हो जाएगा 3a³, यानी कि 3 × 3 × 3 यानी 9 × 9 = 27 कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर चले आ गए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 64:27 है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पहले तो हमें ये बताओ, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा है ना, हाँ पांचवा नंबर क्या कह रहा है, 64:27 है। आयतन हमारा क्या होता है, आयतन जो होता है हमारा a³ होता है। एक एग्जांपल में बताऊं आपको, a³ = 27 है तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √27 यही होगा ना, यानी इन दोनों का अंडर रूट कर दें, 64:27 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4:3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां से घनाभ का केस आता है, तो घनाभ के केस में पहले यह समझ लो, इसका आयतन जो होता है वो होता है L × B × H, ये घनाभ की बात हो रही है, किसकी हो रही है, घनाभ की। उसके बाद एक विकर्ण आता है इसका, तो विकर्ण जो होता है वो होता है √L² + B² + H² क्लियर। उसके बाद एक आता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है √2 × LB + BH + HL, ये चीज होता है घनाभ का केस का। क्लियर, चलिए आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 7.5 × 22 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन, L × 7.5 सेंटीमीटर, B × 22 सेंटीमीटर और H × 13 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको आयतन बताया, तो आयतन क्या होता है, L × B × H, ये तो बताया, यानी कि हमारा क्या होगा, 7.5 × 22 × 13। क्लियर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2145 सेंटीमीटर³, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, सातवां नंबर क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, घनाभ का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो जैसे जैसे कह रहा करते जाइए, घनाभ का लंबाई जो है L = 20 मीटर, B = 5 मीटर और H = 4 मीटर है, तो विकर्ण पूछ रहा, विकर्ण बराबर हमारा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, विकर्ण बराबर होता है L² + B² + H² √20² + 5² + 4² = 400 + 25 + 16 = 21 मीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आगे आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई तालाब 50 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर गहरा है तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। जब धारिता की बात कह दे तो समझ लीजिए आयतन की बात वो कर रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर L = 50 मीटर, B = 25 मीटर और H = 4 मीटर गहरा है, तो आयतन क्या होगा इसका, आयतन की बात करें हम भाई, आयतन की आप बात करोगे तो क्या होगा, साफ साफ ये कह रहा है कि धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता ज्ञात करनी है तो आयतन क्या होगा, L × B × H, भाई L × B × H बराबर क्या हो जाएगा, 50 × 25 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 5000
लीटर इसकी धारिता होगी। लीटर है, मीटर है, जो है ये है। क्लियर? चले नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा बेलन से। बेलन में क्या कहेगा वो समझिए। अब क्या होता है, बेलन जो होता है उसका आयतन जो होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना ही इसको समझिए, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस इसी से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बेलन के सवाल करते हैं। क्या कह रहा है, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर बराबर मुझको 14 सेंटीमीटर दे दिया है और क्या दे दिया है, ऊंचाई जो है एच बराबर हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे कितना होता है 7, यानी कि 22 बटे 7 इंटू 14 इंटू 20, यही तो होगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 22 बटे 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 20 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12320 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं है यार, आराम से आप करो, बस कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 119 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। दसवां नंबर क्वेश्चन, दसवां नंबर क्या कह रहा है, आर बराबर मुझको क्या दे दिया है 15 सेंटीमीटर और एच बराबर क्या दे दिया 119 सेंटीमीटर। पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो पूछ रहा है, यानी पाई बराबर क्या 22 बटे 7 इंटू क्या है 15 का स्क्वायर इंटू 119, यानी 22 बटे 7 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 119 बराबर क्या हो जाएगा 84150 सेंटीमीटर क्यूब और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतना, थैंक यू।